चुके हैं तैयार और अब बस निकलना ही है, 1 मिनट में निकल जाएंगे। खड़े को ही ले जाओ, बाय। चले। तो मैं तो आके बैठ गई हूँ, मैं थक गई थी। और वो देखो वो आ रहे हैं। तो हम अन्नानूर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कहाँ आप किधर गए? हो गई अन्नानूर। अब से अन्नानूर से जा रहे हैं अपन। ट्रेन आ चुकी है। सेंट्रल क्या है, बीच की देख लीजिए। सेंट्रल की होनी चाहिए। खाली है ट्रेन। हटो आगे से। ड्राइव चल दिया अन्नानूर। ये कविता अकेली बैठी हुई है इस कोच में पूरे में। खुश है ना? तेरे लिए पूरा कोच बुक करवा लिया। और क्या चाहिए लोकल ट्रेन का? ओ यार इतना लगेज कविता। तो मेरे तो तेरे। मछली पकड़ते हैं इसे। पहुंच गए हैं सेंट्रल जंक्शन। ला मैं ले चलूंगा। तो ये जो एसी का डब्बा है ये इन महाराज का है और मेरा नॉर्मल में है। तो और इतना डिस्टेंस है उन डब्बों के बीच में, कितना है, 15 डब्बे दूर मेरी सीट है। तो टीटी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन एक रात तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है मुझे। तो ये यहाँ बैठेंगे। मेरा तो अभी खैर दम घुट रहा है इसमें तो, पर अब एसी नहीं चली है। बट मैं अपना डब्बा पास करवाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं आ जा सकूं, ये आ जा सके मेरे पास। सो मेरा डब्बा ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 डब्बे की बात ही है। हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज है सेकंड डे। कल शाम को बैठे थे हम, रात में बैठे थे, 7 बजे ट्रेन में बैठे हैं और अब टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। तो सुबह हो गया है, रात को सो लिए थे। और आगरा तो हम पहुंचेंगे, ये आगरा हमें 2-3 बजे पहुंचा देगी। कल हम आगरा पहुंच जाएंगे, तो मतलब लगा लो आगरा पहुंच गए तो मतलब पहुंच गए घर पे राजस्थान में। तो अभी काफी आगे आ गए हैं हम चेन्नई से, तो फिर आगरा जाके वहां बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे हमें। फिर उसके बाद ट्रेन है, फिर घर जाएंगे। उससे पहले कोई ट्रेन ही नहीं थी तो मेरे को तो एक स्टॉपेज आ गया है। अभी मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ पहले के बजाय ट्रेन में, क्योंकि पहले तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ मैं, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है बार बार। मामा
आई एम स्लीपिंग। कब सुबह होगी? अब ये वेट है, मुझे ये दिन निकालना है आज का, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन सो सो के निकाल दूँ। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, मैं तो बस यही खा रही हूँ, लॉर्ड के ये फ्रूट्स खा रही हूँ। आज मैं इसी से पूरा दिन निकालूंगी और खाना तो मैं वहीं जाके खाऊंगी। और ये रोटी सब्जी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। नारंगी लिए, कहाँ से लिए नारंगी, ये 30 रुपए की नारंगी है, दो तो हम खा गए नागपुर से। अपन पिछली बार भी लिए थे, सभी लेते हैं अपन, क्या ज्यादातर सफर करते हैं नागपुर में आते हैं, यहाँ पे नारंगी लेते हैं सब ट्रेन में, नागपुर में ट्रेन में चढ़ते हैं नागपुर पे, जो पेड़ों के टूट टूट के झड़ जाती है, मतलब यहाँ ज्यादा पैदावार है नारंगी की बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, ओके बोल रहे थे करेक्ट। ये बनाई सामरी गर्म गर्म बोलो, ये बनाई सामरी बोलो भैया, खाना रोटी सब्जी बोलो भैया, गर्म गर्म खाना भी लेगा भैया, रोटी सब्जी बोलिए। अब हम पहुंच गए हैं आगरा के, आगरा कैंटी है ना, सर्दी भी है थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है इतनी है, थोड़ी सी रात में तो आज चेन्नई में भी लगती होगी जिससे, हाँ कम ही है, मतलब बरसात होती तो होती ज्यादा, अब यहीं से ही दूसरी ट्रेन है फिर उसमें जाएंगे घर। आगरा में पेठा फेमस है, तो बाहर तो बहुत सारी दुकानें हैं इनकी और यहाँ भी कई लोग बेचते हैं। पेठा ले आगरा का पेठा ले, ओए हेलो, पेठा ले आगरा का पेठा ले, ले जा खरीद के, मैं लेके गया था कई बार, अपन ले ले क्या एक और, पर अपन वैसे ही वो हो जाएंगे। ये गई ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं बांदी कोई जंक्शन, जिसका मैं कब से वेट कर रही थी, जब ट्रेन में बैठी हूँ जब से कि हे भगवान कब पहुंचू कब पहुंचू। अब हम जा रहे हैं घर और घर है बस थोड़ी दूरी पे, तो घर पहुंच के बहुत सुकून मिलता है। तो ये वीडियो जो था वो ओल्ड वीडियो था, जब हम इस टाइम गए थे गांव में, तो ट्रेन में हमारा इसी प्रकार का सफर रहता है, कभी सफर बहुत अच्छा होता है तो कभी परेशान हो जाते हैं। ओके बाय।